नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में बर्ड फ्लू की दस्तक, सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि, मुर्गियों को मारने का काम। जी हाँ, अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सुपौल के चपकाही गांव में पक्षियों के सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर गाँव में पशुपालन विभाग के कर्मियों की तैनाती कर दी गयी है। वही आस के इलाकों में मुर्गियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इलाके में लोगों में हड़कंप मच गया है। दरअसल सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के छपकाही गांव में करीब दो हफ्ते पहले दर्जनों पक्षियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी थी। मरने वाले पक्षियों में कौवे, कोयल, मुर्गी और बतख शामिल थे। अचानक करीब चार दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। अगली बड़ी खबर, चमकी बुखार पर सीएम नीतीश ने किया अलर्ट, बोले निपटने की पूरी तैयारी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चमकी बुखार से लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। डॉक्टर और प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह सतर्क है, लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। देख ही रहे हैं कि कितनी गर्मी है, चमकी बुखार के लिए सभी स्तर पर अलर्ट कर दिया गया है। इसकी चिंता हम लोगों को पहले से है। मुख्यमंत्री गुरुवार को अम्बेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान बढ़ती गर्मी और एएस से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने उक्त बातें कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार कई वर्षों से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसी गर्मी से हम लोगों के बीच घूम रहे हैं, हम तो देखते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। अगली बड़ी खबर, यात्रियों के लिए खुशखबरी, 18 अप्रैल से रोज चलेगी हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। जी 18 अप्रैल से धनबाद होकर चलने वाली हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पूर्व की तरह प्रतिदिन चलेगी। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना काल में ट्रेन के बंद होने के बाद जब इसे दोबारा चालू किया गया था तो ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन ही चल रही थी। वापसी में 19 अप्रैल से पाटलिपुत्र को पटना से हर दिन चलाया जाएगा। जल्द ही सप्ताह में 7 दिनों का रिजर्वेशन शुरू किया जाएगा। 20 महीने बाद 9 नवंबर से 18622 हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को स्पेशल के रूप में चल रही थी, अब सप्ताह के 7 दिन चलने लगेगी। बड़ी खबर, बिहार में बदल सकती है स्कूलों की टाइमिंग, आपदा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को एक ही शिफ्ट में स्कूल चलाने का दिया सुझाव। जी हां, बिहार में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हो सकता है, स्कूल केवल एक ही शिफ्ट में संचालित हो सकते हैं। राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग इस पर विचार कर रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के सेक्रेटरी संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक क्योंकि विद्यालय को सुबह की पाली में ही संचालित किया जाए। सभी जिला पदाधिकारी को इस पर समीक्षा कर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। सभी स्कूलों और परीक्षा केंद्रों और कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में गर्मी और लू का कहर जारी, आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों के डीएम को जारी किया अलर्ट। जी बिहार में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम को अलर्ट जारी करते हुए इसकी निगरानी का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विभाग ने भीषण गर्मी एवं लू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश सभी जिले के डीएम को दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सार्वजनिक जगहों पर पेयजल की व्यवस्था के साथ लू प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बिहार में गर्मी और लू के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर इलाके में हीट वेव की कंडीशन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में गर्मी को लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
अगली बड़ी खबर, पीएमसीएच पहुंचने में अब जाम से मिलेगी मुक्ति। गंगापथ से अस्पताल को जोड़ने का काम जाने कब तक होगा पूरा। जी हाँ, गंगापथ से होकर पीएमसीएच पहुंचने के लिए अगले माह तक इसे जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा। गंगापथ से पीएमसीएच को जोड़ने के लिए बन रहे एलिवेटेड रोड में पश्चिमी एलिवेटेड रोड पर गार्डर चढ़ाने का काम पूरा हो गया है। बीएसआरडीसीटी के सूत्रों ने बताया कि गंगापथ से पीएमसीएच के आने के लिए दीघा से 7.5 किलोमीटर से आगे 400 मीटर के पास यू टर्न लेकर बाई लेन की सड़क से आना होगा, जबकि पश्चिम साइड में बने एलिवेटेड रोड से लोग गंगापथ की ओर से निकलेंगे। गंगापथ से पीएमसीएच के जुड़ जाने के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचने में जाम नहीं मिलेगा। अशोक राजपथ में होने वाले जाम से राहत मिलेगी। वहीं उत्तर बिहार से पीएमसीएच आने वाले जेपी सेतु पार कर रोटरी के माध्यम से गोलंबर होते हुए गंगापथ पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार के सभी 24 नए एमएलसी करोड़पति 63% दागे, एडीआर ने जारी की रिपोर्ट। जी हाँ, बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे के सभी 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को मतदान हुआ और 7 अप्रैल को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम भी जारी किया गया था। बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 24 सदस्यों की औसत संपत्ति 75.63 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के अनुसार 63% एमएलसी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इसमें 11% पर गंभीर आपराधिक केस है, 1 एमएलसी पर हत्या और 4 पर हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज है। शिक्षा की बात करें तो 58% ने स्नातक या उससे ज्यादा की पढ़ाई की है, 62% की उम्र 50 से ऊपर और 38% 50 की उम्र से कम है। चुनाव में 3 महिलाएं चुनी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार के स्कूल कॉलेज में होगी पराली प्रबंधन की पढ़ाई, जाने 1 टन पराली जलाने से कितना होता है नुकसान। जी हां, राज्य के स्कूल से लेकर कॉलेज तक में अब पराली प्रबंधन की पढ़ाई होगी। छोटे बच्चों को पराली के बारे में जानकारी दी जाएगी तो बड़ों को उसके प्रबंधन और जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समूह की बैठक में सरकार ने यह फैसला किया है। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग और राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालय को दे दी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में भी बदलेगा कांग्रेस का कप्तान, मदन मोहन झा से लिया गया इस्तीफा, इन्हें मिल सकती है कमान। जी हां, बिहार में कांग्रेस को लगातार मिल रही हार और चुनाव में निराशजनक प्रदर्शन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मदन मोहन झा ने इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर कल से ही अटकलें लगाई जा रही थी, अब गुरुवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उनका यह इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। मदन मोहन झा इस समय दिल्ली में है, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। बिहार में कांग्रेस की खराब होती स्थिति को उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जा रहा था। लगभग 4 साल बाद झा से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस ली गई है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं विधायक राजेश राम और विजय शंकर दुबे का नाम अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है। 1-2 दिनों में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। बड़ी खबर, बिहार कांस्टेबल भर्ती का एडमिट कार्ड जारी, मद निषेध सिपाही के 365 पदों पर निकली थी वैकेंसी, जाने कैसे करे प्रवेश पत्र डाउनलोड। जी हां, केंद्रीय चयन परिषद ने मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी csbc.bihar.nic.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए मद निषेध सिपाही के 365 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 दिसंबर 2021 से 18 जनवरी 2022 तक जारी की गई थी। बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में जिंदा जले बिहार के 4 मजदूर, 7 गंभीर, 10 दिन पहले ही गए थे 2 भाई, आंध्र सरकार करेगी 25-25 लाख की मदद। जी हां, आंध्र प्रदेश की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई और 13 जख्मी भी हो गए। इसमें 4 मजदूर बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। हादसे में 13 मजदूर घायल हुए हैं, इसमें भी 7 बिहारी है। हादसा देर रात गैस लीकेज के कारण हुआ है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए, गंभीर घायल को 5 लाख और मामूली घायल लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जिस पथ से गुजरे थे भगवान महावीर, वहां ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर बनेगा ब्रिज। जी हां, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर के जन्म स्थान मिले जमुई अनुमंडल के वर्तमान सिकंदरा प्रखंड में लचवागढ़ ग्राम के दक्षिणी सीमा पर पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित कुंड गाँव के क्षत्रिय कुंड को माना जाता है। लचवाड़ को केंद्र सरकार ने जैन सर्किट से भी जोड़ने की बात कही है। वहीं क्षत्रिय कुंड गाँव में अब ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर ही ब्रिज बनाने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने मंजूरी भी दे दी है।
अगली बड़ी खबर, नवोदय का एडमिट कार्ड हुआ जारी। 30 अप्रैल को आयोजित होगी परीक्षा, जाने कहां बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। जी हां, आगामी 30 अप्रैल को आयोजित होने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट का एडमिट कार्ड navodaya.government.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा में जिले के 7662 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा 30 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक यानी 2 घंटे तक चलेगी। आपको बता दें कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके कुल 100 अंक होंगे। परीक्षा इस बार प्रखंड मुख्यालय में स्थित विद्यालय पर या प्रखंड मुख्यालय से सटे विद्यालय पर आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं। खबर, बिहार में घर बनाना हुआ महंगा, 50% तक बढ़े सीमेंट और सरिया के दाम। जहां राज्य में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और गैस खाने पीने के सामान सबके दाम बढ़ रहे हैं और अब घर बनाना भी महंगा हो गया है। यह कीमत पिछले 5 माह से निरंतर बढ़ रही है। वहीं सरिया के दाम आसमान छू रहे हैं। निर्माण सामग्री महंगी होने के कारण घर बनाना भी महंगा हो गया है। कच्चे माल की कीमतों में लगभग 40% तक वृद्धि होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इन सामग्रियों के बड़े दाम को आका जाए तो बीते 4 माह के मुकाबले अब घर बनाना करीब 50% तक महंगा हुआ है। ब्रांडेड कंपनियों ने एक सप्ताह में सीमेंट की बोरी पर 25 से 30 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अब सीमेंट की एक बोरी की कीमत 365 से 375 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं सरिया की कीमत भी 2 महीने में 50-52 रुपए किलो से बढ़कर 80-85 रुपए किलो तक पहुँच गई है। खबर, कोरोना को लेकर हो जाइए सतर्क, पटना में नए वेरिएंट में मई जून में तेजी से बढ़ेंगे मामले, स्वास्थ्य विभाग ने जताई आशंका। जी हां, गुजरात मुंबई में कोरोना के नए एक्सी वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को 18 अप्रैल तक तमाम तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग का आकलन है कि मई के अंतिम से लेकर जून के प्रथम सप्ताह तक कोरोना मामलों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। इसे लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जागरूक लोग और पुलिस ठीक मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को टोकने लगे हैं। वह स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक किसी सार्वजनिक स्थल पर कोरोना जांच का प्रबंध नहीं किया गया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि गर्मी को देखते हुए बिहार में स्कूल की सही टाइमिंग क्या होना चाहिए, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।